नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और मूव मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना कहर के बीच त्रिपुरा में नाइट कर्फ्यू के चलते एक शादी में पार्टी के दौरान रेड मारकर खलबली मचाने वाले डीएम शैलेश कुमार की कार्यवाही पर सही और गलत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। इसी बीच एक्शन के 24 घंटे के भीतर त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार यादव द्वारा कोरोना मानदंडों के पालन न करने के आरोप में एक विवाह स्थल पर छापेमारी करने और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में मुख्यमंत्री बिप्लब द्वारा देव ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम शैलेश यादव ने माफी मांग ली है। डीएम ने कहा कि उनका मकसद किसी को अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था, लोगों के भले के लिए किया था। इधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सूचना दी कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने इस घटना को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार को एक रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में डीएम शैलेश कुमार यादव को माड़ी के कोर्ट में एक शादी समारोह को रोकते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुल्हा और दुल्हन को भी बलपूर्वक मैरिज हॉल से भगा दिया। वायरल वीडियो में डीएम शैलेश काफी गुस्से में दिखाई दिए और मैरिज हॉल पर छापा मारते वक्त डीएम ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। यहां तक कि उन्होंने माड़ेक के कोर्ट सहित दो मैरिज हॉल बंद करने की धमकी दी। वायरल वीडियो पर विवाद होने पर डीएम शैलेश ने मंगलवार शाम को पत्रकारों से कहा, कल रात सोमवार को मेरा किसी को अपमानित करने या जलील करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। कोरोना कहर के बीच जो भी हुआ वह लोगों के भले के लिए था। अगर किसी को मेरी कार्रवाई से दुख पहुंचा तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बता दें कि त्रिपुरा में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू का समय शुरू होता है। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अगर आप यह हमारा वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आप Facebook चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।